हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ विजय कौशिक और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल वीके रियल टेक के अंदर। दोस्तों, आज का टॉपिक है फाइल इज़ टू लार्ज फॉर द डेस्टिनेशन सिस्टम। दोस्तों, ये एरर तब आता है जब हम अपनी पेन ड्राइव के अंदर कोई बड़ी फाइल को कॉपी करते हैं, तो कई बार हमारा जो पेन ड्राइव है ये एरर शो करता है कि फाइल इज़ टू लार्ज। दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि फाइल इज़ टू लार्ज का एरर आता क्यों है और उसको सॉल्व कैसे करते हैं। दोस्तों, चलिए हम आगे देखते हैं कि इस एरर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों, अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं कि हम इस एरर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब हम अपनी पेन ड्राइव के अंदर कोई फाइल कॉपी करते हैं जिसका साइज़ बड़ा होता है, कोई गेम मूवी या कोई अलग सेटअप सॉफ्टवेयर वगैरह का अगर हम अपनी पेन ड्राइव के अंदर कॉपी करते हैं, तो हमारी पेन ड्राइव एक प्रकार का एरर शो करती है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा एरर। जैसे मेरी पेन ड्राइव है, 16 GB की पेन ड्राइव है और ये पूरी ब्लैंक है, खाली है, और मैं इसके अंदर अपनी एक फाइल कॉपी करता हूँ। तो इस फाइल कॉपी करता हूँ तो ये एरर शो करता है कि जो फाइल है, फाइल इज़ टू लार्ज फॉर द डेस्टिनेशन फाइल सिस्टम। दोस्तों, जबकि मेरी पेन ड्राइव जो है वो पूरी खाली है, 16 GB की फुल खाली, और जो फाइल का साइज़ है दोस्तों वो है सिर्फ 5 GB का, और जबकि 16 GB की पेन ड्राइव और इसके अंदर ये फाइल कॉपी नहीं हो रही है। तो दोस्तों, जो हमारी पेन ड्राइव होती है इसका अपना एक फॉर्मेट होता है। वो फॉर्मेट कौन सा होता है दोस्तों, हम जब फॉर्मेट पर जाएंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। हमारी फाइल्स का कुछ, हमारी जो पेन ड्राइव होती है वो फाइल फॉर्मेट पर डिपेंड करती है। डिफ़ॉल्ट फाइल फॉर्मेट जो होता है वो FAT32 आता है दोस्तों। तो जो FAT32 फाइल सिस्टम होता है, इसकी लिमिट होती है कि 4 GB तक के डाटा को ही अपनी अंदर कॉपी कर सकता है एक बारी में। इससे ज़्यादा बड़ी फाइल होगी तो ये टू लार्ज फाइल दिखाएगा दोस्तों। और फेट की फुल फॉर्म है दोस्तों फाइल एलोकेशन टेबल। तो दोस्तों, जो फाइल एलोकेशन टेबल है इसकी लिमिट है 4 GB तक। तो दोस्तों, अब इसके अंदर मुझे 4 GB से अगर बड़ी फाइल कॉपी करनी है तो मुझे इसे दूसरे फॉर्मेट में चेंज करना होगा। तो दोस्तों, हम इस पर जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों दूसरा फॉर्मेट क्या दिया हुआ है, NTFS और एक्सटेंडेड फेट। तीसरा जो है वो EXFAT दिया हुआ है जिसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड फेट। और दोस्तों, एक है NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो दोस्तों, सबसे अच्छा इसमें न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, इसकी लिमिट है 16 TB तक। तो अगर हम इसको सेलेक्ट करके और फाइल हमारी जो पेन ड्राइव है उसको हम फॉर्मेट करते हैं, तो जो हमारी पेन ड्राइव है उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा FAT32 से NTFS के अंदर। तो दोस्तों, अभी हम इसे फॉर्मेट करते हैं। और दोस्तों, हमारी जो पेन ड्राइव है वो NTFS फाइल के फॉर्मेट के अंदर अब आ चुकी है। तो दोस्तों, अब इसकी लिमिट 16 TB तक है। ये 16 TB तक का फॉर्मेट, अगर इतना बड़ा या मेरे पास हार्ड डिस्क होती तो ये बड़ी फाइल को भी अपने अंदर कॉपी कर सकती है। तो दोस्तों, अब हम अपनी फाइल को पेस्ट करके देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, इजीली हमारी फाइल जो कॉपी यहाँ पर हो रही है। दोस्तों, अगर आपकी पेन ड्राइव के अंदर भी ये दिक्कत आती है, आपको अगर कोई बड़ी फाइल कॉपी करनी होती है अपनी पेन ड्राइव के अंदर और कॉपी नहीं होती है, तो ऐसे दोस्तों आप अपनी फाइल को, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।